बड़ी घर की बेटी, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्ना थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्तिस्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों में भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय वार्षिक 1000 से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उन्होंने बहुत दिनों तक परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर थे। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। मुखड़ा भरा हुआ, चौड़ी छाती, भैंस का दो सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठ पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा उसके बिल्कुल विपरीत थी। इन लोकप्रिय गुणों को उन्होंने बीए के दो अक्षरों पर नोचावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। सांझ सवेरे उनके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्णमधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते। गौरीपुर में रामलीला का वे ही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब प्रथा के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों की कुटुंब में मिलजुल कर रहने की और जो अरुचि हो जाती है, उसे वे जाति और देश के लिए बहुत हानिकार समझते थे। यही कारण था गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। स्वयं उनकी पत्नी का ही इस विषय में उनसे विरोध था। वह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहन करने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की खल से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते, बाज बहरी, ऑनररी मजिस्ट्रेटी, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, वो सभी यहाँ विद्यमान थे। भूप सिंह नाम था। बड़े उदार चित्त प्रतिभाशाली पुरुष थे। दुर्भाग्यवश लड़का एक भी न था। सात लड़कियाँ हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर जो 15-20 हजार का खर्च सिर पे हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणशीला थी। इसी से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो ये चाहते हैं कि कटन का बोझ बढ़े, और ना ही ये स्वीकार था कि उसे अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपये मांगने आया था। शायद नगरी प्रचारक चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी से विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी,
वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों की तो बात ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधे सादे देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह तरकारी लिए हुए आया और बाबूजी से कहा, जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी। आनंदी भोजन बनाकर इनकी राह देख रही थी, अब यह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से भी कम था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी सब्जी में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब सब्जी में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल मिलाकर पाव भर भी नहीं रह गया, वह सब मैंने सब्जी में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी समय क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी पाते पर तिनका जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में जो चाहे घी की नदी बहती है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो नौ नाक का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटकी दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज मजा चखा देते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंद की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी लहू का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश और काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। श्रीकंठ का पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। यह 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्टों से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। जब एकांत हुआ तब लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेणी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि पुरुषों के मुंह लगे। लाल बिहारी, ये बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुमरी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे
बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी ने कहा, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो एक गवारा छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी ढंग नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ ने कहा, सब साफ साफ हाल कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे सब्जी पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह मैंने सब सब्जी में डाल दिया। जब खाने बैठा था तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इस पर मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा, मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी, यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया, इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर ही रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बात अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेणी माधव सिंह घबराकर उठे, बोले, क्यों क्यों। श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का चाकर ठहरा, घर पर नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें हो रही हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लाल घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेणी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़े ठाकुर अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा भी मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके साथ ऐसे घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेणी माधव सिंह भी गर्माए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेणी माधव सिंह पूछे, स्त्री के पीछे। श्रीकंठ ने कहा, नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्का चिलम के बहाने से वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ तलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते थे, श्रीकंठ अपने आप से दबता है,
इसलिए वह दब्बू है। इसने इतनी विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बिनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने बहाने आकर बैठ गए। बेणी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेणी माधव जी बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भी भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ ने कहा, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह इस घर में रहेगा या मैं रहूँगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चले जाए, बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वो इतना मान आदर नहीं करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते थे। मुगदर की चूड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से द्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा दिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वो अपने किए हुए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख में कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए देखा। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी मार देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सह नहीं गया। वह रोता हुआ घर में आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछ ली जिससे किसी को पता न चले कि वो रो रहा है। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वह अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब जाता हूँ, उन्हें फिर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल करके बाहर से वापस आया। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भाग रहे थे। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने में गर्म क्यों हो जाते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी।
इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ ने कहा, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी ने बोला, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दे। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मैं भी इसीलिए अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी बोली, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे मन में ये न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रह सकता। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे वह मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसा अवसर ना ही आएगा। पीणी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। गांव में जिसने ये वृत्तांत सुना, उसने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।